विश्व हिंदू परिषद की शाखा दुर्गा वाहिनी ने भोपाल में प्रशिक्षण कैंप लगाया, जिसमें प्रदेश भर से आई हुई 300 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया। दुर्गा वाहिनी ने भोपाल के सरस्वती शिशु मंदिर में बहनों का प्रशिक्षण कैंप लगाया। प्रशिक्षण कैंप का मुख्य उद्देश्य सेवा, संस्कार और समर्पण है। इसी उद्देश्य से बहनों को बौद्धिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें दंड, तलवार, राइफल और जूडो, कराटे जैसे कई प्रशिक्षण दिए गए। दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका सत्य कीर्ति राणे ने बताया कि ये प्रशिक्षण 12 मई से प्रारंभ हुआ था, जिसका समापन आज किया गया। इसमें पूरे मध्य प्रदेश से 300 से अधिक बहनों ने भाग लिया। देखिए, हमारी एक प्रयास है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं कि हम घर घर तक जा पाएं, लेकिन प्रतिवर्ष हमारे यहाँ जो भी बहनें आती हैं, जितनी वैसे मान लीजिए कि हमने अगर 300 बहनों को यहाँ प्रशिक्षित किया है, तो ये प्रत्येक जिले और नगर में जाकर एक बहन कम से कम 300-200 लोगों को, महिलाओं को या लड़कियों को जो है जागरूक करती है। अगर हम बोले कि कानून, अगर कानून बनने से अपराध रुक जाते तो नहीं हमारा, इसलिए विश्व हिंदू परिषद के तीनों जो ध्येय वाक्य हैं वह है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। देखिए, संस्कार जब तक, संस्कार विहीन समाज रहेगा जब तक महिलाओं या सुरक्षित रहेंगी, चाहे वो कोई सा भी देश हो। इसलिए संस्कारों का पोषण समाज में हो और ये जो पीढ़ी, जो बच्चियां आई हैं, ये हमारे भविष्य, कल का भविष्य है। ये नए पीढ़ी की निर्मात्री हैं, इसलिए इनमें उन संस्कारों का, हमने यहाँ गुणों को विकास करने के लिए प्रयास किया है। अगर ये गुण लेकर जाएंगी, संस्कार लेकर जाएंगी, तो एक नई संस्कारित पीढ़ी को जन्म देंगी। हमारे इन युवतियों को जो दुर्गा वाहिनी के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि समाज में ये जो अत्याचार हो रहा है, यह कम हो। ये कम उस तरीके से हो पाएगा जब हमारी युवतियां यहाँ से प्रशिक्षित होकर अपने अपने क्षेत्रों में जाएगी। जिस तरीके का माहौल हम समाज में युवतियों के साथ जो शोषण हो रहा है, वो शोषण वो पीड़िता युवतियों को उनका उनका सहयोग करेगी कि उनको यह जो शोषण का शिकार हो रही है युवतियां, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगी कि समाज में हो रहे अत्याचारों से वो लड़ सके और उनका उनका उनके साथ वो किस तरीके से इन चीजों से बाहर आ सकती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।